नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर लगी मुहर। शिक्षा विभाग ने वेतन के लिए 12.88 अरब रुपए किए स्वीकृत। मलमास मेला में पहली बार तीर्थयात्रियों को मिलेगी कई नई और खास सुविधाएं। बिहार के इन शिक्षकों का कटेगा वेतन। देश के इन 12 शहरों में खेले जाएंगे वर्ल्ड कप के सभी मुकाबले। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। शिक्षा विभाग ने वेतन के लिए 12.88 अरब रुपए किए स्वीकृत। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के पंचायती राज एवं नगरीय निकाय के स्कूलों में पढ़ाने वाले 2,74,681 शिक्षकों के जून के वेतन के लिए 12.88 अरब रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं और साथ ही राशि जारी भी कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन शिक्षकों में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक शामिल है। मालूम हो कि जारी किया गया यह राशि राज्य योजना मद से जारी किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में अधिकतर नवनियुक्त प्रधान अध्यापकों को अब तक वेतन नहीं मिला है, जिससे कि उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर लगी मुहर। आज नीतीश कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिसके तहत अब हर राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में संशोधन करते हुए दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी बिहार में शिक्षक बन सकेंगे। इसके साथ ही सरकार की ओर से पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत बिहार के 8 जिलों के लिए 520 बेड के अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू विद्यालय के निर्माण के लिए कुल 370,82,24,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक संवर्ग के पूर्व से सृजित पदों के अलावे 675 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। कृषि विभाग के भूमि संरक्षण निदेशालय पटना के अधीन विभिन्न कोटि के 151 नए पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। इसी तरह विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 25 एजेंडों पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई गई है। मध्याह्न भोजन को लेकर के पाठक ने बनाया नया सिस्टम। इन दिनों बिहार के सरकारी स्कूलों में मिलने वाले मध्याह्न भोजन को लेकर लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जिसको लेकर अब विभाग सख्त होती नजर आ रही है। बता दें कि अब राज्य सरकार के द्वारा हर दिन इसकी रिपोर्ट ली जाएगी और साथ ही अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भी उसी दिन शाम 7 बजे इसकी जानकारी भी खुद लेंगे। इस दौरान वे देखेंगे कि कहां कहां स्कूलों में मध्याह्न भोजन बना, बच्चे क्या क्या खाएं, किसकी गुणवत्ता कैसी थी, कहां भोजन नहीं बना और क्यों नहीं बना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह नई व्यवस्था 1 जुलाई से लागू की जाएगी। 1 जुलाई से प्रतिदिन संबंधित अधिकारी सुबह 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक स्कूल पहुंचकर मध्याह्न भोजन का निरीक्षण करेंगे। इस बारे में एमडीए निदेशक मिथिलेश मिश्र के द्वारा डीपीओ प्रखंड साधन सेवी और जिला साधन सेवी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जानकारी दे दी गई है। इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए बीएसईबी ने जारी की पहली मेधा सूची। आज यानी कि 27 जून को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट में नामांकन लेने के लिए पहली मेधा सूची जारी कर दी गई है, जिसे छात्र ओएफएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट ofssbihar.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बता दें कि इस बात की जानकारी बिहार बोर्ड के द्वारा ट्वीट कर दी गई है। बता दें कि जारी किए गए मेधा सूची के आधार पर ही छात्र अलॉट किए गए संस्थान में 27 जून यानी कि आज से 3 जुलाई तक अपना नामांकन ले सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें अपने मैट्रिक प्रमाण पत्र, फोटो व अन्य कागजात लेकर जाने होंगे। वहीं पहली सूची के आधार पर हुए छात्रों के नामांकन के बाद स्कूल एवं कॉलेज प्रबंधन के द्वारा छात्रों के नामांकन के सत्यापन के बाद इसकी जानकारी समिति को दी जाएगी और फिर उसके आधार पर ही दूसरी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। पीएम मोदी ने बिहार झारखंड को दिया वंदे भारत ट्रेन का सौगात। आज यानी कि 27 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भोपाल में रानी कमलावती रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर 5 वंदे भारत ट्रेनों को शुभारंभ किया गया, जिसमें पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है, जिसे पीएम मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं अब कल यानी कि 28 जून से आम आदमी के लिए भी इस ट्रेन पर सफर शुरू हो जाएगा। मालूम हो कि पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन से पहले 12 जून 18 जून और 26 जून को 3 बार इस ट्रेन का ट्रायल भी कराया गया है। वहीं अब इस ट्रेन का उद्घाटन होने के बाद यह ट्रेन रांची से पटना करीब 6 घंटे में पहुंचेगी। इस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान रांची स्टेशन पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और सीपी सिंह समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। मलमास मेला में पहली बार तीर्थयात्रियों को मिलेगी कई नई और खास सुविधाएं। बिहार के राजगीर में लगने वाले मलमास मेले को लेकर पहली बार तीर्थयात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिलने वाली हैं।
बता दें कि इतिहास में पहली बार इस बार मलमास मेले में पीपल काउंटिंग मशीन लगाई जा रही है, जिससे कि कुंड में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की गिनती की जाएगी। वहीं इस बार पहली बार तीर्थयात्रियों को इस मेले में फ्री वाईफाई सुविधा मिलने वाली है। वहीं मेले में आए तीर्थयात्रियों के लिए टेंट सिटी भी पहली बार बनाई जा रही है। इन सब के अलावा नगर परिषद के कनीय अभियंता आनंद कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मलमास मेले की निगरानी 275 सीसीटीवी कैमरे के द्वारा की जाएगी। वहीं मेला क्षेत्र में बेहतर विधि व्यवस्था संधारण के लिए एक सेंट्रल कंट्रोल रूम के अलावा मलमास मेला क्षेत्र को 4 जोन में बांटकर अलग अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके साथ ही आई लव राजगीर का आकर्षक बोर्ड भी लगाया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन देने पर 2% की छूट। पटना नगर निगम इन दिनों ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत करने में जुटा है। बता दें कि इसी के तहत निगम प्रशासन की ओर से उन लोगों को 2% की छूट दी जाएगी जो ऑनलाइन तरीके से संपत्ति कर समेत अन्य यूजर चार्ज व शुल्क जमा करते हैं। बता दें कि इस प्रस्ताव पर महापौर सीता साहू और नगर आयुक्त अनिमेश कुमार पराशर के द्वारा मुहर लगा दी गई है। हालांकि इस नियम को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए इसे नगर निगम परिषद बोर्ड से पारित करना होगा। और लेकिन इन सबके बीच खास बात है कि इस व्यवस्था को राज्य के अन्य सभी 19 नगर निगमों व अन्य नगर निकायों में भी लागू किया जा सकता है। बिहार के इन शिक्षकों का कटेगा वेतन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार राज्य के कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की रिपोर्ट भेजी गई तो जांच के दौरान 1000 से अधिक शिक्षक और कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए। ऐसे में अब इन शिक्षकों और कर्मचारियों पर विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई करते हुए इनके वेतन को स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दिनों शिक्षा विभाग के द्वारा प्रतिदिन विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत संबंध कॉलेजों में एवं शिक्षकतर कर्मचारियों की अनुपस्थिति की मॉनिटरिंग की जा रही है। मालूम हो कि विभाग की ओर से जिन शिक्षकों के वेतन को स्थगित करने का आदेश जारी किया गया है वे शिक्षक भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, बीएन मंडल विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मुंगेर और मगध विश्वविद्यालय में काम करते हैं। बिहार की राजधानी के गोलगप्पे को मिस करती हैं प्रिया मलिक। बिहार की धरती से बॉलीवुड तक का सफर तय करने वाली प्रिया मलिक अपने कार्यक्रम को लेकर बिहार की राजधानी पटना पहुंची हैं। इस दौरान उन्होंने एक अखबार के साथ हुए साक्षात्कार में बताया कि वो आज भी पटना के गोलगप्पे को काफी मिस करती है। उन्होंने कहा कि अब वह नॉर्मल तरीके से बाहर ठेले पर जाकर गोलगप्पे नहीं खा सकती। उन्होंने कहा कि कुछ सालों से भोजपुरी में अश्लीलता बढ़ी है जिससे बाहर के लोगों के बीच बिहार की छवि बिगड़ रही है। ऐसे में मैंने प्रण लिया है कि मैं बिहार म्यूजिक पर बहुत काम करूंगी। उन्होंने बताया कि वह बहुत जल्द ही भोजपुरी म्यूजिक के लिए बॉलीवुड आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करने वाली हैं। हालांकि इससे पहले उनके द्वारा भोजपुरी में सोलो प्रोजेक्ट्स भी आएंगे। 1 जुलाई से पटना में शुरू होगा मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान। पटना नगर निगम की ओर से इंदौर की तरह ही नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत निगम की ओर से एक अभियान चलाया जाएगा जिसका नाम मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान है। इस अभियान के तहत सफाई कर्मियों को स्वच्छता की जिम्मेदारी दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना नगर निगम आयुक्त अनिमेश पराशर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस अभियान की शुरुआत 1 जुलाई से होने वाली है जो कि 15 अगस्त तक चलेगी। इस अभियान के तहत शहर के सभी वार्ड में 300 से 400 मीटर का दायरा जो होगा उसे सफाई कर्मी के लिए तय किया जाएगा और उस एरिया का पूरा जिम्मा उस सफाई कर्मी को दिया जाएगा और उनका नाम हर रोड के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। जिस रोड के सफाई की जिम्मेदारी जिसकी होगी उसका नाम होगा ताकि लोगों को कहीं गंदगी नजर आने पर वे वहां के सफाई कर्मी को फोन नंबर पर फोन करके जगह को साफ करा सकता है। बीजेपी का मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पार्टी की ओर से चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत आज यानी कि मंगलवार को पीएम मोदी के द्वारा मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, जीवेश मिश्रा सहित कई विधायक, बीजेपी नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए जो कि पीएम मोदी के वर्चुअल माध्यम से जुड़े। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कार्यक्रम देश भर के 10 लाख बूथों पर किया जा रहा है, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि देश के अलग अलग लोकसभा सीटों से 5-5 कार्यकर्ताओं को नरेंद्र मोदी के द्वारा जीत के टिप्स दिए जाएंगे। अमित शाह के लखीसराय में आगमन को लेकर तैयारियां हुई तेज। अमित शाह के लखीसराय में आगमन को लेकर तैयारियां हुई तेज। 29 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के गढ़ कहे जाने वाले लखीसराय में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में उनके आगमन को लेकर बीजेपी की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि उनके आगमन को लेकर पूरे शहर को भगवा रंग से रंग दिया गया है और साथ ही बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी लखीसराय पहुंचने लगे हैं जो वहां पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं।
ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। हालांकि दूसरी ओर अमित शाह के दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के द्वारा तंज कसते हुए कहा गया कि 29 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार घूमने आ रहे हैं, उनके आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं इससे पहले बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री व जेडीयू नेता श्रवण कुमार के द्वारा भी तंज कसते हुए कहा गया था कि अमित शाह लखीसराय आए या बढ़िया या फिर मुंगेर आए, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश के इन 12 शहरों में खेले जाएंगे वर्ल्ड कप के सभी मुकाबले। काफी लंबे समय के बाद भारत 50 ओवर के विश्व कप की मेजबानी करने को तैयार है। हालांकि आईसीसी की ओर से जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार भारत के उन 12 शहरों की जानकारी सामने आ चुकी है जहां इसके मुकाबले खेले जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन 12 शहरों में विश्व कप के सारे मुकाबले खेले जाने हैं उनमें चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, लखनऊ, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता और धर्मशाला के नाम शामिल है। मालूम हो कि ऐसा माना जा रहा है कि इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। इस मैच की मेजबानी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में की जाएगी। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.05 रुपए और डीजल 94.77 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपए और डीजल 95.50 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए और डीजल कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। रिया चक्रवर्ती ने बताया सुशांत सिंह की मौत के बाद कैसी हुई उनकी लाइफ। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती रोडीज 19 में बतौर गैंग लीडर नजर आ रही है। इस दौरान उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के निधन के समय को याद करते हुए कहा कि बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मुझे भी लोगों ने बहुत कुछ कहा है, ऐसे नाम दिए हैं, ऐसी ऐसी चीजें कही हैं, पर क्या उनकी वजह से मैं वो चीज खुद पर मानूंगी? क्या मैं उनके कारण जिंदगी में रुकूंगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं उनकी आवाज को जरा सा भी जोड़ दूंगी? बिल्कुल नहीं। मेरी अंदर की आवाज है और वो सुनना चाहिए। वो लोग बाहर में जाएं, कौन है वो, उनके तानों पर ध्यान ना देकर अपने आप को अधिक प्राथमिकता दे। रिया ने अपने सोशल मीडिया पर भी वीडियो पोस्ट किया और लिखा, कभी हार मत मानो। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के निधन के दौरान फैंस ने उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया था। वहीं कई लोगों ने उन्हें एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत का जिम्मेदार भी ठहराया था। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, रवि कुमार, राम सदुल्लाह पलवी, उमेश ऋषदेव, मुटु रंगीला, अनवर करीम खान, कुमारी संजना, पीके पासवान, राजकिशोर महतो, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद सकीर हुसैन, मोहम्मद अफजल मंसूरी, कुश कुमार यादव, रविशंकर, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, शिक्षक बहाली नियमावली में बदलाव के तहत अब दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी बिहार में शिक्षक बन सकते हैं, आपके अनुसार बिहार सरकार का यह फैसला कितना सही है? अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।